हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ आपकी 6th क्लास की हिंदी जो बसंत वाली बुक है उसका पहला चैप्टर जो है मैंने पढ़ा दिया है, अर्थ समझा दिया है। और ये हमारा दूसरा पार्ट है जिसमें मैं आपके प्रश्न उत्तर जो हैं वो कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, तो चैप्टर शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है वो देख लीजिए। तो भाई हमें बताना ये है कि आजकल हमारे चैनल पे ना बम्पर ऑफ़र चल रहा है जिसमें आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 1 महीने तक हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। कम एक दिन में कम से कम 15 लोगों को शेयर करना है, 15 ग्रुप्स में शेयर करना है। इससे कम मत करिएगा, इससे कम करेंगे तो आप रैंकिंग में नहीं आएंगे। जो टॉप 10 लोग होंगे जिन्होंने 30 जुलाई तक सबसे ज़्यादा शेयर किए होंगे उनको ये गिफ्ट्स दिए जाएंगे। और आपको बता दें इसका जो रिज़ल्ट होगा वो 5 अगस्त को घोषित किया जाएगा। बस इतनी सी जानकारी देनी है और बाकी की जो डिटेल होगी वो चैप्टर के बाद में बताई जाएगी। ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपने क्लास जो है वो शुरू करते हैं। हमारा जो पहला जो प्रश्न है वो क्या है देखते हैं। तुम्हें कविता को कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। तुम्हारा आंसर क्या होगा? मैं इस कविता को नीले पंखों वाली चिड़िया शीर्षक दूंगी। इसके अन्य शीर्षक नन्ही चिड़िया या सुंदर चिड़िया भी हो सकते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा, चिड़िया को खेतों में लगी जौ बाजरों की फलियों से, जंगलों से और जिस नदी से वह ठंडा और मीठा पानी पीती है उससे प्यार है। उसे जंगल में मधुर स्वर में गाना भी अच्छा लगता है। अब आशय स्पष्ट करो। तीसरा क्वेश्चन है जो हमें आशय स्पष्ट करना है वो पॉइंट वो जो लाइन है वो ये है, रस उड़ेल कर गा लेती है, रस उड़ेल कर गा लेती है। इस पंक्ति का आशय है कि चिड़िया खुश होकर गाने लगती है क्योंकि वह स्वतंत्र है, उसके गाने में माधुर्य है। ऐसा लगता है जैसे वातावरण में रस उड़ेल कर उसे रसमय कर दिया हो। तो चौथा जो हमारा आशय है वो इसका बताना है, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। ठीक है, क्या है? चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। तुम्हारा आंसर क्या होगा? इस पंक्ति का आशय है कि चिड़िया ऐसे ही नदी से जल कड़ लेकर अपनी प्यास नहीं बुझाती, वह पहले उफनाती हुई नदी का मन टटोलती है और उसकी इच्छा का भी ध्यान रखती है। अंत में अपनी कार्य कुशलता से जल राशि के बीच में स्थित जल के मोती को ढूंढ लेती है क्योंकि उस जल से चिड़िया की प्यास बुझती है। इसलिए पानी मोती के समान अमूल्य है। तो पांचवा हमारा क्वेश्चन ये है कि नीचे चिड़ियों के कुछ नाम दिए गए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है, शरीर हरा है, मैना कौवा बतख कबूतर। तो हमें लिखना है सबसे पहले मैना के बारे में। मैना जो होती है हल्के काले रंग की होती है और गर्दन पर हल्के धब्बे होते हैं। जो कौवा जो होता है वो काले रंग का होता है, इसके पंख कहीं कहीं पर गहरे कहीं कहीं पर हल्के काले होते हैं। और जो हमारी बतख होती है उसकी चोंच व पांव हल्के पीले रंग के होते हैं और वह पूरा शरीर पंखों से ढका होता है। और हमारा जो कबूतर होता है वो सलेटी रंग का होता है, उसकी लाल व पांव गुलाबी रंग के होते हैं, उसकी गर्दन पर हल्के काले व सतरंगी रंग की झलक देखने को मिलती है। कविता का हर बांध सॉरी कर छठवां हमारा क्वेश्चन है, कविता का हर बंध वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर खत्म होता है। तुम भी इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंध जोड़ो। वह चिड़िया जो गाती, मुझे उड़ना बेशुमार है, देखना हर एक गांव है,
मनाने मित्र हजार हैं, मुझे जीवन से बहुत प्यार है। अगला हमारा जो भाषा की बात है उसमें हमारा कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, देखते हैं क्या है। इन्होंने सातवें नंबर पे एक लाइन दी है, पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, नीली वाली चिड़िया, सबसे ऊपर वाली दराज। यहाँ पे रेखांकित शब्द हैं, जैसे कि पहली लाइन में पंखों वाली, दूसरी लाइन में ऊपर वाली, नीचे लाइन, तीसरी लाइन में नीले पंखों वाली और चौथी लाइन में सबसे ऊपर वाली पे नीचे अंडरलाइन की गई है। तो ये कह रहे हैं कि शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। अगले पृष्ठ पर वाला वाली जोड़कर बनने वाले कुछ विशेषण दिए गए हैं, ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनको विशेषण में जोड़ना है। जैसे कि इन्होंने डैश मोर, मोरों वाला बाग लिखा है, तो कैसे मोरों वाला बाग, सुंदर मोरों वाला बाग। पेड़ों वाला घर, तो हरे भरे पेड़ हमारे हरे भरे होते हैं, तो हरे भरे पेड़ों वाला घर। तीसरा है डैश फूलों वाली क्यारी, तो हमारा क्या हो जाएगा, कैसे फूलों वाली क्यारी, गुलाबी, या कम फूलों वाली क्यारी या ज़्यादा फूलों वाली क्यारी, कुछ भी कर सकते हो। इन्होंने लिखा है गुलाबी फूलों वाली क्यारी। चौथा है खादी वाला कुर्ता, तो यहाँ पे आप कोई भी कलर कर सकते हो, जैसे इन्होंने लिखा है सफ़ेद खादी वाला कुर्ता। रोने वाला बच्चा, तो रोने वाला बच्चा इसकी जगह पे आप कर सकते हो बहुत रोने वाला बच्चा। मूँछों वाला आदमी, तो यहाँ पे आप कर सकते हो बड़ी मूँछों वाला आदमी, ठीक है। जैसे इन्होंने रोने वाले बच्चे में इन्होंने कुछ और लिखा है, बिलख बिलख कर, या बहुत बातें की है, ठीक है, कुछ भी आपको जो सही लिखे वो आप लिख सकते हो। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो आठवां है, इसमें कह रहे हैं वह चिड़िया डैश चुंडी के दाने रुचि से डैश खा लेती है, वह चिड़िया डैश रस उड़ेल कर गा लेती है। तो हमको बताना है कि कविता की इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। पहले वाक्य में रुचि से खाने की ढंग, दूसरे वाक्य में रस उड़ेल कर गाने के ढंग की विशेषता बता रहे हैं, ये दोनों क्रिया विशेषण हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छाटो। का हमारा है सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी, सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। फिर हमारा गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई, ठीक है। तो पहला क्या था हमारा, सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी, मतलब तो क्रिया विशेषण क्या हुआ, जल्दी जल्दी। सोनाली क्या कर रही थी, मुंह में ठूस रही थी, जल्दी जल्दी ठूस रही थी लड्डू, तो क्रिया विशेषण क्या हुई, जल्दी जल्दी। दूसरा है हमारा गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में गई, तो गेंद झाड़ियों में चली गई, कैसे गई, गई लुढ़कते हुए गई, तो हमारा लुढ़कते हुए क्या हुआ, क्रिया विशेषण हुआ। तीसरा गा वाला है हमारा है भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा, तो जनजीवन जो था धीरे धीरे सामान्य होने लगा, ठीक है। जनजीवन था जो भूकंप के बाद सामान्य होने लगा, कैसे सामान्य होने लगा, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे हमारा क्रिया विशेषण हो गया। अगला है कोई सफ़ेद सी चीज़ धप से आंगन में गिरी, कोई सफ़ेद सी चीज़ धप से आंगन में गिरी, तो कैसे आंगन में गिरी, धप से, तो धप हमारा क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। टॉमी कुर्ती से चोर पर झपटा, ठीक है, टॉमी जो है कुर्ती पर जोर से झपटा, कैसे झपटा, फुर्ती से, कुर्ती नहीं सॉरी फुर्ती लिखा है उसके लिए सॉरी, टॉमी जो है फुर्ती से जोर चोर पर, अरे यार मुझे सॉरी यार, टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा, तो कैसे झपटा, फुर्ती से, तो फुर्ती से हमारा क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया, तो कैसे कोने में बैठ गया, सहम कर, तो सहम कर हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। आज अचानक ठंड बढ़ गई, तो क्या हो गया, आज अचानक क्या बढ़ गई, कैसे बढ़ गई, अचानक बढ़ गई ना, तो अचानक हमारा क्रिया विशेषण हो गया। इस तरीके से आपका जो चैप्टर वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। और जानने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो भी सुन के जाइएगा, और अगर आपने पिछला चैप्टर जो नहीं पढ़ा है पढ़ लीजिएगा, साथ में आपके अदर सब्जेक्ट भी, जैसे मैथ हुआ, साइंस हुआ, सारे सब्जेक्ट्स की आपकी क्लासेस चल रही हैं, तो देखते रहिएगा, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जानने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है वो सुन के जाइएगा, ओके।
तो भाई आपको ये इम्पॉर्टेंट बात ये बतानी है कि जो हमारा चैनल है इस पर एक ऑफ़र चल रहा है। क्या करना होगा आपको, सिर्फ एक महीने तक आपको हमारे चैनल को हर दिन कम से कम 15 ग्रुप्स में शेयर करना होगा। शेयर करने के बाद क्या होगा कि जिसके एक महीने में सबसे ज़्यादा शेयर होंगे, ठीक है, उनको ये गिफ्ट मिलेंगे। गिफ्ट कुल 10 लोगों को मिलेगा, उनकी रैंकिंग के हिसाब से मिलेगा। और आपको बता दें, रैंक उन्हीं की बनेगी जो एक दिन में 15 से ज़्यादा शेयर करेंगे। जो 15 से कम शेयर करेगा, चाहे 14 ही कर रहा हो, तो वो रैंकिंग में नहीं आएगा। तो अगर आप रैंकिंग में आना चाहते हैं तो 15 से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा एक दिन में, और 15 से ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये फ्री में गिफ्ट चाहते हैं तो भाई हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो ये तो हो गई भाई, और इसका रिज़ल्ट जो होगा 5 जुलाई को होगा। और आपको बता दें, जब आप हमारे चैनल को जाएंगे, आपने अगर सब्सक्राइब कर लिया होगा उसके लिए थैंक यू, नहीं किया है तो कर लीजिए। तो भाई हमारे चैनल पर जाने के बाद प्ले लिस्ट में जब जाएंगे तो आपको आपके सब्जेक्ट की जो क्लासेज हैं वो मिल जाएंगी। और फिर आप जब चैनल पर जाएंगे तो आपको हमारे बाकी के अदर 3 चैनल मिल जाएंगे। पहला है जोजस किड्स मस्ती, दूसरा है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, तीसरा है जोजस। इन चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैनल क्रिएटिव चैनल है जो आपके माइंड को बूस्ट करेंगे, आपको क्रिएटिव बनाएंगे, ठीक है। क्रिएटिव होना भी एक कला है जो आपको माइंड को बढ़ाती है। तो इन चैनल्स में क्या है, पहला चैनल है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, जिसमें आप सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी ज्वेलरी बना सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम समय में। और दूसरा जो चैनल है जोजस किड्स मस्ती, जो बच्चों के लिए चैनल है, जिनमें उन बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे क्या उनको एक साथ कैसे सिखाया जाए। और तीसरा जो चैनल है वो है जोजस क्राफ्ट, इसमें आप घर बैठे प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर चीज़ें बना सकते हो घर की बेकार चीज़ों से, जैसे शादी के कार्ड हुए, नैपकिन, टिश्यू पेपर हुए, इनसे, ठीक है। तो भाई ये तो बात हुई हमारी। और दूसरी बात ये है कि भाई हमारी गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है, गुरु दक्षिणा में हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। तो गुरु दक्षिणा देना आपको ज़रूरी है, ठीक है भाई। पैसा नहीं मांग रहे, बस इतना कह रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन इसी से मिलते हैं, ताकि आपको हमारी क्लासेस का पता चलता है। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।